रविवार को पाशपावली पुलिस थाना अंतर्गत दो नाबालिगों द्वारा एक 35 वर्षीय आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मामूली विवाद के चलते हत्या करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वह इस संदर्भ में आगे की जांच जारी है। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसमें भी दिन प्रतिदिन आपराधिक गतिविधियों में इजाफा होता दिख रहा है। जहां एक ओर शहर में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच पाशपावली थाना अंतर्गत दो नाबालिगों द्वारा एक 35 वर्षीय आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मामूली विवाद के चलते हत्या करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंद्रजीत और इंदल विक्रम बेलपार थी, उम्र 35 वर्ष निवासी, वैशाली नगर पंचकुआ नागपुर। इसका 8 दिन पहले एक 17 वर्षीय लड़के को कार से टक्कर मारने की जैसी मामूली बात के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद रविवार को आरोपियों ने पाशपावली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नाइक तालाब बांग्लादेश हनुमान मंदिर के पास मृतक को तलवार और चाकू से छाती पेट और पीठ में चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हेमंत अग्रवाल ने अधिक जानकारी साझा की है। यातील मृतकाचं नाव आहे इंद्रजीत विक्रम बेलपारधी, हा वैशाली नगर च्या बाजूला राहतो। त्याच्यावर 18 ते 19 गुन्हे दाखल आहे। यातील जे आरोपी आहे ते दोघे विधी संघर्ष बालक आहे। 8 दिवसापूर्वी असं झालं होतं की यातील जो विधी संघर्ष बालक आहे याला इंद्रजीतच्या गाडीचा धक्का लागला, त्यापासून त्यांच्यामध्ये वादावादी सुरू होती। काल 9:30 दरम्यान रात्रीला इंद्रजीत हा नाईक तलावकडे आला असताना हे दोघे तिथे होते। त्यांना वाटले की हा आपल्याला मारहाण करेल किंवा काही असेल त्या जुन्या वादावरून त्यांनी दोघांवर त्याच्यावर चाकू आणि तलवारीने हमला केला। त्यानंतर त्याला तो जखमी झाला, त्याला मेवोमध्ये नेल्याचं डॉक्टरांनी मयत घोषित केलं। यह प्रकरण होने के बाद मृतक के दो मित्र राहुल शेंडे और अंकित सहारकर ने उसे अपने दुपहिया वाहन गाड़ी से मेयो अस्पताल लेके गए, जहां आरोपी को मृत घोषित किया गया। बता दें कि मृतक के खिलाफ पहले भी 18-19 मामले दर्ज है और आरोपियों पर भी पहले गुनाह दर्ज किए गए हैं। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की जाँच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज़।